यह कविता कृष्ण की चेतावनी रश्मिरथि खंडिकाव से ली गई है, जिसके रचयिता महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस दौरान श्री कृष्ण जी कौरवों के सभा में जाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन, अगर युद्ध ना हो तो बेहतर होगा, और आप हमारे हिस्से का हमें आज़ादी दीजिए। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो केवल हमें 5 गांव दे दीजिए जिसमें 5 पांडव रह सकें। और दुर्योधन कहता है कि श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को बांध लिया जाए, ये पांडव के दूत हैं। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लेकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर, दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग चर अक्षर नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोट सरति सर सिंध मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धरीश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बाद में, भूलोक अटल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, भूलोक अटल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पर के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं, जीवा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्ट दिधर हंसने लगती है शिष्ट उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बाधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांधे अनंत गगन, सुने को साध कब सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब वापस जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय की या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहीं प्रखर, फन शीर्ष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, फन शीर्ष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे विस्माण बंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसा ही होगा हिंसा का परदाई होगा, थी सभासन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अगाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यह रश्मिरथि कविता जो जिंदगी के कई आदर्शों, जैसे जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है, और सौभाग्य सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, जैसी लाइनों से सजी यह कविता कृष्ण की चेतावनी जो रश्मिरथि खंडिकाव से ली गई है, और यह कई जिंदगी के आदर्शों को भी दर्शाती है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें
और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।